क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले हैं। बांग्लादेश 3 विकेट जल्द खोने के बाद संभल गया। बांग्लादेश ने 18 ओवर्स में 81 रन बना लिए। शाहीन आफरीदी के 2, हारिस रऊफ का 1 शिकार। क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले हैं। बांग्लादेश 3 विकेट जल्द खोने के बाद संभल गया। बांग्लादेश ने 18 ओवर्स में 81 रन बना लिए। शाहीन आफरीदी के 2 जबकि हारिस रऊफ का 1 शिकार। शाहीन आफरीदी की शानदार परफॉर्मेंस तेज तरीन 100 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। बांग्लादेश के खिलाफ मिचेल स्टार्क का 51 इनिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहीन शाह आफरीदी ने अपने पहले ही ओवर में बांग्लादेशी ओपनर तंजीद हसन को 0 पर आउट करके सबके दिल जीत लिए। तो शाहीन आफरीदी की शानदार परफॉर्मेंस देखने में आई है, तेज तरीन 100 विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के इस्तीफे का मामला, पीसीबी की तहकीकाती कमेटी ने मफादात के टकराव पर तहकीकात का आगाज कर दिया। तहकीकाती कमेटी की जानिब से 7 रोज में सिफारिशात चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ को पेश किए जाने का इम्कान है। साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के इस्तीफे का ये मामला है। पीसीबी की तहकीकाती कमेटी ने मफादात के टकराव पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। तहकीकाती कमेटी की जानिब से 7 रोज में सिफारिशात चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ को पेश किए जाने का इम्कान है। 7 रोज में सिफारिशात जका अशरफ को पेश किए जाने का इम्कान है। मफादात के टकराव पर इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। नैब इस्लामाबाद और सूबाई एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए गए। इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले तक नैब अदालतों को जेर समाअत मुकदमात के हतमी फैसले से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का अदालत हुक्म और अपीलों की नकुल चेयरमैन पीटीआई को जेल में ही फराहम करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मजीद समात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला आने के बाद होगी। मजीद क्या कहा गया है, अमानत गशकूरी से जानते हैं। जी अमानत जी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच था जिसने समाअत की है, और सुप्रीम कोर्ट ने समाज जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के तफसीली फैसले से मशरूत कर दिया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके बाद नैब तरमीम के खिलाफ जो इंटर कोर्ट अपील दायर की गई है उस पर समाअत होगी। जबकि अदालत ने इस दौरान नैब अदालतों में जो रेफरेंसेस चल रहे हैं, जितने भी मुकदमा जेर समाअत हैं, उन पर ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया है। ताहम ये भी साथ हुक्म दिया है कि नैब अदालतें जो हैं वो हतमी फैसला जारी नहीं कर सकेंगी किसी भी केस में जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता, जब तक इंटर कोर्ट अपील पर फैसला नहीं आ जाता। जबकि अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा 4 सूबों के जो एडवोकेट जनरल हैं, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल हैं, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। और नैब तरमीम केस के जो दरख्वास्त गुजार थे चेयरमैन पीटीआई, उनको भी अदालत ने नोटिस जारी किया है। और यह हिदायत की गई है कि जो अपील की नकुल है और जो नोटिस है अदालती, वो चेयरमैन पीटीआई को अदालत में जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए पहुंचाया जाए और आइंदा समाअत पर नोटिस जो है उससे कबल नोटिस मौसूल करवाए जाए। जबकि केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजी साहब ने आम सवालात उठाए। उनका ये कहना था कि नैब तरामीम केस का जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से, उसमें कुछ तरामीम जो है उनको कलदम करार दिया गया, ताहम 2023 में जो तरामीम की गई उनको नहीं छेड़ा गया। तो ये कैसे मुमकिन है कि कुछ तरामीम जो है उनको कलदम करार दे दिया जाए जबकि कानून की दीगर जो तरामीम है वो बरकरार रखी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अगर नया तरामीम कलदम करार देनी थी तो पूरा कानून ही कलदम करार दिया जाता। 2 तरामीम कलदम करार दे के एक को छोड़ देना अभाम पैदा कर रहा है, और इससे नैब अदालतों में जो मुकदमा चल रहे हैं उनमें भी जजेस जो है वो तजब्दुब का शिकार है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किन तरामीम के तहत जो है वो फैसला करें, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाए या फिर एक्ट के अंदर 2023 में जो तरामीम की गई हैं उसके मुताबिक फैसला दिया जाए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमने इस केस में जो है वजाहत वो करनी है और तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, ट्रायल कोर्ट जो है वो तशरीह नहीं कर सकती, इसलिए हम आइंदा समाअत पर तमाम वकला को भी सुनेंगे। जबकि वफाकी हुकूमत के जो वकील थे मखदूम अली खान, उनकी जानिब से इत्तवा की दरख्वास्त दायर की गई और ये कहा गया कि वो बैरून मुल्क हैं तो केस की समाअत मुलतवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने
जो फरीकैन है मुकदमे के उनको नोटिस जारी किए हैं और समाज जो है वो गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, हम चाहते हैं कि मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत आए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की हर तरह मुआवनत करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारा जो मिशन है, बैन नहीं लगा लिया कि ये आज के बाद ता कयामत वापस पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। ये अपने ममालिक जाएँ, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं, हमारा जो मिशन है वहाँ से वीज़े लगवाएं, वो तालीम के मकसद से आना चाहते हैं, वो कारोबार के मकसद से वापस आना चाहते हैं, जिस हैसियत में भी वापस आना चाहते हैं हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम एक रेगुलेटेड मूवमेंट चाहते हैं, हम इररेगुलेटेड मूवमेंट के ख़िलाफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसमें डीलिमिटेशंस की उसका अपना एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर मैंने फर्द वायद के तौर पे या निगरान हुकूमत ने उसको इन्फोर्स नहीं किया, उस पर वो किया है मान ने, वो किया है आईन ने। कराची से गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला का मामला कमिश्नर कराची के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। कंट्रोल रूम में आवाम कॉल्स करके शिकायत दर्ज कराने लगे। मजीद जानेंगे जुनेद जावेद से। जुनेद बताएगा इस कंट्रोल रूम के हवाले से। गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन जो कि यहाँ पर इस वक्त मुकीम है कराची शहर में, उनकी जो है वो इनखला के लिए भरपूर इकदाम इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे हैं। कमिश्नर कराची के दफ्तर में जो है वो मरकजी यहाँ पर एक जो हम कह सकते हैं कि एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहाँ पर इस वक्त भी ऑपरेटर जो है वो आवाम की कॉल सुन रहे हैं। दो नंबर्स बताए गए, इन दो नंबर्स के ऊपर जब आवाम कॉल्स करते हैं तो उनकी कॉल यहाँ पर आती हैं और यहाँ से ये ऑपरेटर्स वो तमाम कॉल्स सुनकर उनकी शिकायत जो है मुतालिका डिप्टी कमिश्नर को जो है वो अरसाल कर देते हैं। जहाँ जहाँ इतलात मिल रही हैं गैर कानूनी मुकीम लोगों की, तो वहाँ पर फौरी तौर पर जो है ना सिर्फ पुलिस बल्कि इंतज़ामिया भी पहुँचती है और वहाँ से उनको जो है वो उनके वतन के वापसी के लिए जो है इकदाम उठाए जाते हैं। कमिश्नर कराची डॉक्टर सलीम राजपूत की जानिब से वाज़ह तौर पर हिदायत है कि क्योंकि आज आखिरी दिन भी है, पहली तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था हुकूमत की जानिब से कि फौरी तौर पर जो लोग यहाँ पर इस वक्त मुकीम हैं वो फौरी तौर पर जो है वो अपने वतन को जो है वो वापसी रवाना हो जाए। अब आज वो अल्टीमेटम भी ख़त्म हो रहा है, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो खासी मुतहरक भी दिखाई दे रही है। कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं, उन फैसलों के हवाले से भी जो है वो अब से चंद घंटों के बाद जो है वो फैसले भी सामने आ जाएंगे। तहम जो लोग कंट्रोल रूम के अंदर शिकायत कर रहे हैं उनकी शिकायत को फौरी अजाला करने के लिए जो है यहाँ पर 24 घंटे ये कंट्रोल रूम जो है अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के हमराह म्यू अस्पताल पहुंचे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी के तामीराती कामों का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने सर्जिकल वार्ड में मरीजों की अयादत भी की और उनकी से मसाइल भी पूछे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पहुंचे म्यू अस्पताल वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के हमराह। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी के तामीराती कामों का मुआयना किया और साथ ही साथ सर्जिकल वार्ड में मरीजों की अयादत भी। कोरोना वबा के दौरान सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम। नायब पेशावर ने साबिक वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा समेत महकमा सेहत के हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। तैमूर सलीम झगड़ा को आज नायब में पेश होने की हिदायत भी जारी की है। कोरोना वबा के दौरान सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है और नायब पेशावर ने इसी हवाले से साबिक वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा समेत महकमा सेहत के हुकाम को नोटिस जारी किया है। तैमूर सलीम झगड़ा को आज नैब में पेश होने की हिदायत जारी की गई। इस्लामाबाद में मुल्क भर की जामियात के साथ सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर ना होने और तरक्कियां रोकने पर HEC हेडक्वार्टर के बाहर सरापा एहतजाज है। ख्वातीन सातजा की बड़ी तादाद भी इस एहतजाज में शामिल है। तफसीला जानते हैं तैयब सैफ से। तैयब बताइएगा। इस्लामाबाद में HEC हेडक्वार्टर के बाहर आज वो तमाम असातिज़ा जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर BPS स्केल के ऊपर भर्ती किए गए हैं, वो तमाम लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसकी मंजूरी दी जाए और ख़ास तौर पर HEC वो तमाम मुलाजमीन
जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर जिनको बीपीएस स्केल के तहत भर्ती किया गया था उनको फौरी तौर पर उनको मंजूर करें और ख़ासतौर पर उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है मंजूर करने के साथ साथ उनको नेक्स्ट लेवल के ऊपर प्रमोशन भी दें। इस वाले से उनका कहना था कि तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इन तमाम लोगों की भर्तियां की गई हैं, मगर सर्विस स्ट्रक्चर ना होने की वजह से ये तमाम लोग अभी तक अपनी जो तरक्कियाँ हैं उससे महरूम हैं, जिसकी वजह से ये मजबूर हुए हैं कि एहतजाज किया जाए। सुबह के वक्त इनकी तादाद काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से पुलिस और इंतजामिया की जानिब से भी काफ़ी एक मुज़ाहमत का सामना इनको करना पड़ा। पुलिस ने इनकी कुर्सियाँ यहाँ से हटा दी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जो इनके जितने भी साझा कराम थे, जितने भी टीचर्स थे, वो यहाँ पर आना शुरू हुए, जिसके बाद इस वक्त एक HEC के बाहर हमें एक अच्छा मेला जो है साझा की जानिब से हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जितने भी BPS स्केल के साझा हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की सरबरा इस्तेकामा पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई है, पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के ने सरबरा इस्तेकामा पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की है और पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। हसन अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीला जानते हैं। हसन अली बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक बड़ी कामयाबी जो है वो आज मिली है और तहरीके इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की सरबरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान जो है वो कर दिया गया। मुलाकात में सीनियर रहनुमा IPP ओन चौधरी भी मौजूद थे, जबकि जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने गुलाम सरवर खान को PTI में शमूलियत पर जो है वो मुबारकबाद दी और उनको खुश आमदीद कहा। गुलाम सरवर खान ने इस मौके पर जहांगीर तरीन और अलीम खान की क्यादत पर भरपूर एतमाद करते हुए मिलकर चलने और आवाम की खिदमत करने के हवाले से जो है तबादला ख्याल किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीरे दाखला सरफराज बुगटी का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की डेडलाइन का कल आखिरी दिन है। रजा कराना तौर पर वापस जाने वालों के लिए कल का दिन भी है। रजा कराना तौर पर अपने मुल्कों को वापस जाने वाले खानदानों को हम सराहते हैं। 2 नवंबर से इन गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ मरहला वार ऑपरेशन किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको जैसे पता है कि 1 नवंबर एक डेडलाइन थी इलीगल एलियंस के लिए, दैट इज़ टुमारो, कल तक उनके वॉलंटियर रिटर्न का डेट है और फ्रॉम 2nd ऑनवर्ड हमारा ज़ाहिर है ये एक बड़ा लेंथी ग्रेजुअल ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। देखें, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ की इतने बड़े अरसे तक उनकी मेहमान नवाजी की है। आज भी जो रिफ्यूजीज़ हैं जिनका रिफ्यूजी स्टेटस है वो हमारे प्लान ए का हिस्सा नहीं है। कोई भी एक रेफ्यूजी को हम यहाँ से पाकिस्तान से डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग जाएंगे पाकिस्तान से जो कम्प्लीटली इलीगल हैं, जिनके पास कोई ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं है, एलियंस हैं, वो अपने अपने मुल्क में डिपोर्ट होंगे, वो जिस मुल्क से आए हैं, और उस पर 2nd नवंबर ऑनवर्ड जो है वो हमारे होल्डिंग सेंटर्स में चले जाएंगे। वहाँ होल्डिंग सेंटर्स में वी विल कीप देम फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज वी विल ट्राई टू प्रोवाइड देम फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, और उसके बाद फिर हम उनको हमारी मर्जी के बॉर्डर पे डिपोर्ट करेंगे, जहाँ हमारी हम अपनी सिक्योरिटी को देखेंगे, हम अपनी सहूलत को देखेंगे। रियासत की मर्जी होगी कि उनको हम चमन से भेजें, उनको हम तोरखम से भेजें, या उनको हम नौशकी से भेजें, या उनको हम ईरानियन बॉर्डर्स पे, जो जिधर भी है, जिस भी बॉर्डर पे, दैट विल बी आवर चॉइस। तो मेरी एक बार फिर वॉलंटियर रिटर्न जो है उसके 2 दिन रह गए, आज का दिन है और कल का दिन है, तो जो वॉलंटियर रिटर्न कर रहे हैं उनको ज्यादा हम इनकरेज करें। गैस सारफीन के लिए बुरी खबर, निगरान हुकूमत का गैस सारफीन से 4 माह का नुकसान वसूल करने का फैसला। रवा माली साल के पहले 4 माह के 65 अरब रुपए का बोझ गैस की कीमतों में शामिल है। तो गैस सारफीन के लिए ये बुरी खबर है, निगरान हुकूमत ने गैस सारफीन से 4 माह का नुकसान वसूल करने का फैसला किया है। रवा माली साल के पहले 4 माह के 65 अरब रुपए का बोझ गैस की कीमतों में शामिल किया गया है। निगरान हुकूमत की जानिब से ये फैसला हुआ है। निगरान हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि 4 माह का नुकसान वसूल किया जाएगा। रवा माली साल के पहले 4 माह के 65 अरब रुपए का जो बोझ है
वो गैस की कीमतों में शामिल करके नुकसान को पूरा किया जाएगा। निगरान हुकूमत की जानिब से ये अहम फैसला किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गैस सार्फीन से 4 माह का नुकसान वसूल करने का फैसला हुआ है। गैस सार्फीन पर गुज़श्ता 4 माह का बोझ भी डाल दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वकास अजीम। वकास, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, निगरान हुकूमत ने यह फैसला किया है कि गैस सार्फीन के लिए 1 नवंबर से गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा और इसका जो घरेलू सार्फीन है, कमर्शियल सार्फीन है, इनके लिए 1 नवंबर से गैस महंगी कर दी गई है। लेकिन जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के जो लाइन लॉसेज हैं, जुलाई इन गैस की कंपनी का खसारा है, वो भी इन सार्फीन से वसूल करने का फैसला किया गया है और ये तकरीबन 65 अरब रुपए बनते हैं जो कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इन सार्फीन से वसूल करने का फैसला किया गया है। अगर ये गैस सार्फीन पर ये बोझ न डाला जाता तो फिर गैस की कीमत थोड़ी कम इसमें इजाफा हो सकता था, लेकिन हुकूमत ने गैस सार्फीन के साथ खामोशी से हाथ किया है और उनसे 401 अरब रुपए का इजाफी बोझ उनके ऊपर डाला है और रवा माली साल के जो 4 महीने हैं वो भी उनका खसारा भी सार्फीन से वसूल करने का फैसला कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये फैसला किया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से कि 4 माह का जो नुकसान है उसे वसूल किया जाएगा गैस की कीमतों की शक्ल में। रवा माली साल के पहले 4 माह के 65 अरब रुपए का बोझ अब गैस सार्फीन पर डाला गया है, उनसे वसूली की जाएगी। निगरान हुकूमत ने गैस निर्ख में जुलाई तक अक्टूबर का खसारा भी शामिल किया है। रवा माली साल के पहले 4 माह के 65 अरब रुपए का बोझ कीमतों में शामिल करके अवाम से वसूल किया जाएगा। गैस टैरिफ का इतलाक 1 नवंबर से, मगर जुलाई तक अक्टूबर का बोझ भी शामिल होगा।